नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल के उल्लंघन के सिलसिले में जो मामला चल रहा है उसकी सुनवाई आज झारखंड हाईकोर्ट में हुई है, जिसको लेकर अब अगली तारीख फरवरी में दी गई है। फरवरी में फिर से अगली सुनवाई होगी। इस विषय में आशुतोष आनंद एडिशनल एडवोकेट जनरल है रांची हाईकोर्ट के, वो बता रहे हैं विस्तार में, आप सुनिए। आज आईजी प्रिजन्स की तरफ से अपना रिपोर्ट सबमिट हुआ, जिसमें एक प्रपोज्ड रिवाइज्ड एसओपी कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और ये बताया गया कि ये रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम को भेज दिया गया अप्रूवल के लिए। कोर्ट ने रिपोर्ट को देखा और अप्रूवल के साथ एक फर्दर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कोर्ट ने बोला। रिम्स की तरफ से भी रिपोर्ट की मांग की गई थी, जो अभी नहीं आई थी। हम लोगों के आग्रह पे कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 फरवरी को रखा है, जिसमें आईजी प्रिजंस की तरफ से रिपोर्ट और रिम्स की तरफ से रिपोर्ट पेश किया जाएगा। रिम्स से क्या मांग है? उसके मेडिकल कंडीशन और इनका जो रिवाइज्ड एसओपी, हाँ, उसका अप्रूवल। इसमें एसओपी जो दिया गया है जेल की तरफ से, वो क्या है उसमें? एसओपी में कैसे अटेंडेंट की बहाली होगी, क्या प्रक्रिया अपनानी है, क्या क्या उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा, अगर वायलेशन होता है तो उस पर क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है, और किन किन लोगों को अटेंडेंट मिलेगा, यही सब पे वो रिपोर्ट पे है। रिवाइज एसओपी उसी पे है। नहीं, कोर्ट ने सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जो रिवाइज एसओपी जो बना है इसको फॉलो करवाया जाए, ताकि अननेसेसरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगली सुनवाई 5 फरवरी। तो अगली तारीख 5 फरवरी की दी गई है। जैसा कि आशुतोष आनंद ने बताया कि जेल आईजी के रिपोर्ट को फिर से अप्रूवल के साथ गृह एवं आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बिंदु पर भी रिम्स से फिर से जवाब मांगा गया है। 5 फरवरी से ये सभी जो रिपोर्ट है वो जमा किए जाएंगे। 5 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट फिर से इन सभी चीज़ों की जाँच करेगी। देखने वाली बात ये होगी कि क्या 5 फरवरी को इस मामले में कोई सुनवाई निकल कर आती है, कोई फैसला निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। आज झारखंड हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में ये सुनवाई हुई है, जहां पर फिर से अगली तारीख 5 फरवरी की दी गई है। तो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में 5 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। रिम्स की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और गृह विभाग की तरफ से भी सभी रिपोर्ट्स पेश की जाएगी। देखने वाली बात ये होगी कि 5 तारीख की सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकल कर आता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।